नहीं देखी श्यामा का कहले बानी अच्छा भाई आज गुरु माँ साथी आर पार कर ले दे के बा हमरा बहुत हो गए गुट गुट के जियला। अगर उनकी अपन बेटी खातिर जिए के बा तो हमहू अपन घर वाला साथे जिए चाहता नहीं सुख से शांति से और ऊ खातिर जरूरी बा इस झूठ से मुक्ति। चला शमा चले आ गई समय सच बता रही तेरी कौन बात के चला शमा जाने के बावजूद भी इतहार भाई नंदू के प्राण हमार मर्जी के गुलाम बा बेसी ना बस एक बटन टीपब और जा इतहार भाई नंदू के राम नाम सब फुकरा बावजूद भी माफ कर दी गुरुमा गलती हो गई हमरा से अब ना होगी कबल ना दया करी गोर लागत आगे हम आपके माफ कर दी गुरु दया तू दया के पात्र ना एकदम ना गलती भईल बा तो सजा भुगते के पड़ी माफी से बढ़कर सजा चुप एकदम चुप ज्ञान की बात करे में इनकर जोड़ नहीं थे काम में इनकर सारा बुद्धि हेरा डाला सजा मिली तहरा जे अभी ले किले बारू होकर बराबर सजा मिली ना तो तू सिलसिला बना लेबू एक बार तहरा के ढील देके देखने बानी अब दोबारा ना भले ही पुरान बा मीरा लेकिन उहे बात आज भी सुकून देवेला अरे निखिल बियाह के जबरदस्ती निभावता श्यामा पर दया करके ताकि एगो लड़की के जिंदगी न बर्बाद हो जाए अपन खुशी और अपन हरमान के बलिदान देके लेकिन माया दी हमरा ये सब बात बता के कौनो लाभ ना मिली न उ घर और न उ घर में रह रखे हो की जिंदगी से हमरा कोनो मतलब कोनो संबंध बा निवास कब के हमारे अंदर से निकल चुकल बा दोबारा हमरा उगली में मत ले जाए और ये आपके अपन घर के प्रॉब्लम बा का मतलब कि निकल चुकल बा और केहू से कौनो मतलब नहीं खे काल तक तो तू ही हमरा से कहले रालू ना कि तू रोज हमरा घरे आबू श्यामा के अंग्रेजी पढ़ावे खातिर तो फिर का भई रात गई बात गई देखा मीरा पागल मत बना अगर झा निवास तहरा अंदर से निकल चुकल बा तो उकरा के दोबारा से बसावा और आके अपन आखी से देखिया
कि हम जे कहत बानी वो कितना सही और कितना न्यायपूर्ण बात बा। और वो ऑफिस में जे हमरा पास हमार पर्स में बा। जब दिन खराब होला नू तो यह होला मीरा तू हमरा के एज ड्रॉप कर दा। हम ओला उबर टैक्सी ऑटो कुछ भी करके चल जाये। आज जब हमरा पास कार नहीं खेतो माया दी यह आपके अपन कार ही बा। आप आराम से बैठी ऑफिस के काम करके आपके घर ड्रॉप कर दे। सीट पीछे खींच के बैठ जाये आँख मूंद के। पक्का ना कच्चा उम्र बा हमार और ना मीरा के कच्चा काम करे के आदत। साचो डार्लिंग बाडू तू हमारे। अब माया के असली माया जाल में फंसे जाता रहा तू, जहाँ सबसे पहले दिल ला दिमाग से काबू हेरा जाला। मजा आई, इंतजार करा आवातानी तहार ऑफिस। बेसी ना बस एक बटन टीप अप और इजा तहार भाई नंदू के राम नाम सत्य। आशा माँ कैसे बताबिये। हेलो श्यामा। हाँ ठीक बा तबियत। तो फिर आवाज इतना सुस्त काहे आवत आपके। वो अंदर गुरुमा रियाज कर रहल बाड़ी हूँ एहे से धीरे धीरे बोला था। ओ अच्छा ठीक बा चला एंजॉय करा और जब भी फ्री हो जा हमरा के कॉल करिए हम पिक कर लेवा आपके। हाँ, जरूर बताते धन्यवाद। ठीक बा तो निखिल कुछ और बताओ श्यामा के बारे में। कहाँ भय रहे तू दोनों के पहला भेंट। हम नहीं कोई नतीजे के चाहते हैं। अरे धरती दी कहानी तो नहीं लंबा बा लेकिन संक्षेप में बता देता नहीं। का पूछत रहनी कि भेंट कहाँ भेल है। शादी के मंडप में दोस्त के। अरे ना आपन शादी के मंडप में। फिर हो गए हमने के ब्याह तो कस जहाँ के हो और के होके वाला रहे और ये के काल जाला नहीं आती। ओ मतलब पहले से कोनो भेंट बातचीत नथी। एकर भी एक अलग मजा बा मेरा। एक पेपर बन जेब में लिखाई कि ता उम्र जब ले तू जिंदा रहबू तहार आवाज कहाई रूपा के। आई एम सॉरी मीरा तनी लेट हो गई। रेडी यस रेडी। तो फिर सुना एजा से हम और आलो
साथे जात बनी। अब अगर तू कहबू तो तहरा की भी छोड़ दे ओकरा बाद में। बिल्कुल ना, हमरा लगे अपन सवारी बा। एंड यू नो ना, आई लव ड्राइविंग। थैंक यू सो मच, आज तू हमार संकट मोचन बन के आ रहा। आज से ही लेकी परछाई बन गई, हर करेजा के टुकड़ा नंदू के साथे रही। अब वो कैसे रही ये पूरा का पूरा तहरा पे निर्भर बा। चला बाय। एक मिनट तनी रुकी, साथे निकल जाए। ठीक बा। ए, आराम से कॉफी गरम बा, मुंह जल जाए। ठीक बात, चला एंजॉय करा और जब भी फ्री हो जा हमरा के कॉल करिए, हम पिक कर लेवा आपके। नाना उनके कैसे कॉल कर लिए हम, उनकी पता चल गई था और ऑफिस में कितना बिजी हुई है वो। असली मीरा वाला बात अब तू बेफिक्र हो क्या बा। और याद रखिया कि तहारी माया दी हर समय तहार साथ वाड़ी। एक बार बहन होके के फर्ज निभावे से पीछे ना हटब हम। मालूम बा हमरा। थैंक्स। चला तब कल भेंट बात होगी, पहले तू आवा। जी अब शुरू होगी यात्रा श्यामा और निखिल के अलगावे के। गुरुमा छोड़ दी उगरा के। गुरुमा छोड़ दी।
कॉल करंटली आउट ऑफ कवरेज एरिया प्लीज ट्राई अगेन लेटर थैंक यू भौजी और उनकी फोन दोनों दूसरा दुनिया के लोग बाड़े और माई बाबूजी के भी अकल हेरा गई बा बुझाता पता ना कहाँ गई बाड़े कुछ इतना देर खातिर नंदू के अकेले केहू पर छोड़ के कैसे जा सकेले ये लोग एक एक शब्द के पालन करे खातिर तैयार बारी तो हम तहार भाई के छोड़ दे लेकिन एक बात याद रखिया केहू के भी जान अप्राण हमार बेटी के सपना से बढ़कर नहीं छे बा अगर ये टूटल तो केहू ना बची मिस्टर निखिल झा बुझाता हमने के जोड़ी स्वर्ग से बन के अलबा तो फिर अधूरा कह रहे बन जाए दी अब तहार तरीका से ना था हमार तरीका से ही सही तू बाड़ा हैप्पीली मैरिड अब हमरा के भी बने के बा हैप्पीली मैरिड मीरा निखिल निखिल मीरा साउंड्स गुड नाना कुछ ना चाहिए अरे तो ऐसा मूर्ति बन के काहे खड़ा बन लड़की बिना सब दूसर दुनिया के आदमी बिया अरे का भाई श्यामा फोन उठाई ना ना बुझाता करो गलत नंबर बा गलत और सही के नियम पहचान बा वेरी गुड अभी लड़की भी ना अब फोन पे लुक्का छिपी खेलती है हमरा से अब भी लेता भात के मार पसा ले रहती पूरा समय बर्बाद कर देला सी लड़की बुर्बक कहीं के अरे श्यामा भूख लागल बा भाई खाना वाना के इंतजाम बा कुछ हाँ हाँ बस दो मिनट आप तैयार होके नीचे आ जाएं, तबले सब हो जाए आपन नैयर में ई खबर देवे ही पड़ी कि नंदू के एक पल खातिर भी लोग अकेला ना छोड़ी बिजली तू ही सब रहेगा तू जा टेबल पर जाके प्लेट लगावा हम छक्के मार के पहले बनावे के काम निपटा ले मिलके ऐजा हम देख ले तू जा टेबल संभाला ठीक बा हमार हाथ लगले बिना वैसे भी इधर में कुछ छूना संभलेला जात आनी श्यामा हेलो श्यामा भौजी गोर लागत नहीं खुश रहा पहले ये बतावा कि फोन काहे ना उठावत रहलू हमार भौजी चुप रहा भैया और भौजी का बुझाता तारा कि हम एजा खाली बैठल बानी हमरा घरे कोनो बिजली दिया जे काम करत रही और हम कूद कूद के फोन उठावत रही ओहो भौजी पहले काम के बात तो सुनी काम के बात पूरा परिवार के पांचों उंगली मुंह में जाई इसे बड़ का काम हो सकेला सामा एक तो चाउर में इतना कंकड़ मिला देले कुल एक किलो चाउर ऐसे ही एक पौआ हो जाला मतलब आप घरे बानी का ई सुना का मतलब घरे बानी का हम का दूसरा के घरे जाके चाउर भी न तनी अच्छा खाली से बतावा का काम बा कुकर सीटी मारे लगी तो फिर आवाज सुनाई ना दी हाँ
अच्छा अब हमार बात ध्यान से सुनी। टेबल अब हाले से दूसरे काम बताई। रेस्ट करे के मूड में नहीं थे अभी हम। तू जा सबके बुला के ले आवा। का मतलब बा कि सबके बुला लाई आधा चाव चूने के बाकी बा। वो तारा वजह से तरकारी वैसे ही टुकुर टुकुर मुँह ताकता और सबके नियोत के बैठा दी आसन पर। अरे भौजी आप चुप करी। बिजली तू जा सबके बुला के ले आवा और बोला कि खाना तैयार हो गए। समझ ली खबर पहुँच गयी। भैया भोजन के सुगंध से स्वाद के पहचान वह कर सकेला जेकरा के भूख लागल। भौजी हम रखा था नहीं फोन बाद में करा था नहीं। जे बोले के बा अभी बोला ना तब बाद में समय नहीं की हमरा लगे। 1000 काम रहेला हमरा लगे पता ना तहार भैया मेहरारू लाई बाड़े की नौकरानी। अच्छा अब रात में रोटी की जगह भात। बात मत बदला सामा। अच्छा एगो निमन दामाद होके के पूरा फर्ज कितना निमन तरीका से निभावता हमार बेटा। हैसन दामाद तो एकदम किस्मत वाले के ही बेचाला थानों ने। ऐसा कहा कह देने की माई के बुरा लग गई। बाकी ऐसे तो माई बात न करेगी कब। मैंने बात एकदम सही है माई है कि वो घरवाली के चक्कर में तू अपनी माई का जन्मदिन भुला गया। इतना लायक बेटा बड़ा थी। अरे बाप रे ओ गॉड भैया I'm sorry। ओ गजा दराज माई I'm extremely sorry। उतनी से दिमाग से उतर गया भाई। निखिल ये बेकार के ड्रामा बंद करा। अभी तो ताहर पहिल का सालगिरह भी ना भइल और तूर मम्मी के जन्मदिन भुला गई ला। सोचा 3 साल के बाद तो तू मम्मी के भुला दी बा। देखा भैया वो कहावत चल जाले बिहारी होती है। सही बताओ बिया भैला की बात लड़का में आ रहा हूं अपनी माई बाप के भुला जा। तू एक काम करा तू कार ड्राइवर और गाड़ी दोनों के सोनपुर लेके चल जा। और निखिल बाबू ऐसे रुक गई है दोनों काम हो जाएगी सब खुश। परसों से तहार पढ़ाई भी तो जरूरी बा और वो उतने जरूरी बा। हाँ नुमा एकदम निमन मछली दुरे छोटकी दुरे मछली दुरे एकदम ठीक कर दिया। तू जो प्लान बनल बा वो एकदम कैंसिल मत करा चल जो जा। नहीं तो तहार दिमाग वही जे रही। और निखिल रुक जाई घरे और तू यहाँ की चिंता बिल्कुल मत कर। बाहर के एकदम सही सलामत घरे रखल जाएगा। जैसन आप कही मैं तो मने मतलब साफ बा कि हमारी प्रेम में निखिल सेंध मारल छोड़ी है ना। अरे संतोष करी भैया अब कपार के लिखाई अब कहाँ मिटाई। अच्छा मछली तो नहीं मीरा के भी न्योता जरूर भेजता भोकरे बिना हमार जन्मदिन एकदम अधूरा रहे। थैंक यू माँ आपके सपोर्ट मिलत रही था श्यामा के पत्ता जरूर काटते हम घर से। ममता
पोता पोती हो गई, लेकिन अभी भी कभी कभी बच्चा लेखा बात करे लू। का मतलब? अरे कौन जरूरी बा वो मीरा के दोबारा घर पे बुलावे के। अब का ई कुल बात थी, हम आपसे अनुमति लेके करब। देखा ममता, ई घर तक ठीक बा, लेकिन केहू के अपना जिंदगी में लावे से पहले 100 बेर सोचे के चाहिए। अच्छा, तो श्यामा के हमार जिंदगी में लावे से पहले, हमार माथा पर थोपे से पहले का आप हमरा से कभो पूछ ले रानी, कुछो कह ले रानी का? अब जौन बात पे हमरा खुशी मिलता नू तो बात से रोक लगावे के आप बिल्कुल प्रयास भी मत करी। कहे कि मीरा के हम आपन को तो बहुत पहले मान ले रहे। अरे निखिल के पत्नी के रूप में हम ओकरा पहले ही स्वीकार कर ले रानी। असलियत में ना सही, कल्पना में ही सही, लेकिन जी लेवे थी हमरा अपन जिंदगी अपन तरीका से जी लेवे थी। हर सवेरा एक नया उम्मीद से हमार आँख खुलेला। अब हमरा टूटे दी, गुड नाइट। जब संबंध टूटे के कगार पर रहेला तो जवान के मिठास पहले ही दम तोड़ देवेला। और ओकरा बाद जे बची वो एहजा आके अपन हाथ से अरेंज करी मीरा। अरे श्यामा, तू अपन मन फोट मत करा। अभी समय में इतना तेल वाला पकवान के खाला बतावा, हेल्थ पर बुरा असर पड़ेला मालूम बानू। जी हाँ मजबूरी दीदी, ध्यान से बस निकल गए। अच्छा चला, जब इतना मेहनत हो ही गई बा तो सारा पूरा पकवान अपन नैहर खातिर बांध बा। तू लोग के तो आदत बानू इतना तेल वाला पूरा पकवान खाए के। इतना तेल मसाला वो तीखा खट्टा वो लोग जरूर खुश हो जाए इतना पूरा पकवान देख के। हाँ मछली दीदी, अब हमार गांव में तो सब लोग यह कुल खाके पसाए बाए। बिल्कुल ठीक कहनी आप मछली दीदी, सबके मन कितना खुश हो जाए, और खास करके नंदू के। और कह दिया कि हमारे सास के जन्मदिन के भोज के पारस बाई, तहार नैहर में तहार ससुरार के मान भी रह जाये और अन्य के स्थान भी मिल जाये। अच्छा चला, अब तू निमन से जइया और जाके खूब मजा करिया, इतना समय बाद जाता रू अपन नैहर। चला अब तनी हमहू तैयार हो जाता नी, मीरा आवत होगी। बाप रे 1000 काम पड़ल बा वैसे भी, अब जितना मजा बा पार्टी करे में होकर व्यवस्था करे में उतना ही माथा के दर्द। चला बाय श्यामा।